हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.1 पे हैं और यहाँ कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इन इक्वेशंस इन आर, आर फॉर रियल नंबर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट से देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सॉल्व 12x इज लेस देन 50 व्हेन, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले डिवाइड कर देते हैं, 12 से बोथ साइड लिखते हैं, डिवाइड बाई 12 इन बोथ साइड, ठीक है, ताकि ये वेरिएबल अकेले हो जाए। तो 12x बाई में 12 इज लेस देन 50 बाई में 12, ये यहाँ से हटा देंगे हम लोग। यहाँ पे इसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ 2 से 6 और ये 2 से 25, यानी कि x इज लेस देन 25 बाई 6। आप ये भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 4 इंटीजर 1/6, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद, फर्स्ट में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो x x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि सेट सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो रियल नंबर यानी कि इससे लेस देन की अगर हम लोग बात करेंगे, इससे लेस देन की बात करेंगे तो जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वह माइनस इन्फिनिटी से, इधर अगर बात करें माइनस इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 25/6 से लेस देन, ठीक है। 25/6 से लेस देन का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका कौन सा रियल नंबर हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 25/6 तक के जितने भी रियल नंबर होंगे इसके बीच के, वो सभी, समझ गए ना, 25/6 को छोड़ कर, क्योंकि इससे लेस देन कह रहा है। सेकेंड में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू z, x किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से, तो इससे लेस देन इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, इससे लेस देन इंटीजर कौन कौन से होंगे, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो निगेटिव में सारे इधर -3, -2, -1, इधर निगेटिव में -4, -5, ये सब भी 0, 1, 2, 3 कहाँ तक, 4 तक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि 4 इंटीजर 1/6 से लेस देन तक, तो 4 ही तक ना इंटीजर होंगे। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो यह 4 इंटीजर 1/6 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये ना आपके नेचुरल, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन